उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देर शाम एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर लोगों का दिल दहल गया। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई, जिसके मलबे में दबकर 8 लोगों की अब तक जान चली गई है, जबकि 28 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स में दवा और इंजन ऑयल कंपनियों समेत 4 गोदाम थे, जिसमें करीब 30 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। वहीं रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इस मामले को लेकर अब खुलासे हो रहे हैं। इमारत गिरने से ठीक पहले अंदर काम कर रहे लोगों को लगा कि भूकंप आ गया था। करीब 15 सेकंड तक इमारत में कंपन हुआ और लोग अभी कुछ सोच पाते कि बाहर निकलने की कोशिश करते ही छत के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। उन्हें लगा कि छत गिर रही है। इसके बाद तो देखते ही देखते पूरी इमारत ही गिर पड़ी। इससे इमारत के अंदर काम कर रहे सभी लोग दब गए। हादसे के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF, NDRF की कई टीमों ने राहत कार्य शुरू किया। इन टीमों ने देर रात तक इमारत के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। सुनिए क्या कहना है इस मामले में पुलिस का। अभी तक जो है, कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनकी जो इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या में क्या? मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जो जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं, बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। कितना क्या कुछ अनुमानित लग रहा है, कितने समय में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने बताया कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब कोई भी और मृतक या घायल मिलने की आशंका नहीं है। हाँ, आशंका नहीं है, फिर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस कार्रवाई को जब तक हम पूर्ण नहीं कर रहे हैं तब तक पूरा ऑल ड्रिल्स जो है, ऑल मेडिकल ड्रिल्स NDRF की, SDRF की, हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं कार्रवाई। घायलों के बारे में अभी घायलों की लगभग स्थिति ठीक है। अभी घायलों का पूरा अभी जो हॉस्पिटल से हम लोगों को जो डॉक्टर्स वगैरह से जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार सबका प्रॉपर इलाज हो रहा है। उनमें सारे लोगों को पूर्ण रूप से, उनको कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनकी जान बचाई बच गई है। आखिरी सवाल है, क्या कुछ कौन कौन सी टीमें अभी यहाँ? अभी यहाँ पर जनपद स्तर की जो टीमें हैं हमारी लखनऊ कमिश्नरेट की, NDRF फोर्स की वगैरह की, और जो हमारी टेक्निकल टीम उसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का और NDRF की टीमें, टेक्निकल टीमें लगी हुई हैं। दे आर डूइंग वेल, कोशिश किया जा रहा है कि समय से हम लोग इसको पूरा कर लें। 12 घंटे ज्यादा बीत चुके हैं, क्या कुछ अनुमान लग पाए क्यों ये घटना? देखिए, ये इसके इस ऑपरेशन में इस बात को पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान जल्दी से जल्दी अगर जिसमें भी संभावना है कोई घायल ऐसा है जिसको हमारी ऑपरेशन की वजह से और कोई घायल ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग ऑपरेशन को। जानकारी मिल पाई सर, क्या कुछ रीजन रहे घटना? नहीं, कुछ नहीं, बिल्डिंग जर्जर थी तो इस जर्जर वजह से, बिल्डिंग की वजह से जो भी है वो नेचुरल डिजास्टर है, तो उसको हम लोग इसको पूरा कर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।